हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल भिवानी। कक्षा 12 ज्योग्राफी अध्याय 2 विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पार्ट 4। इसमें हम करेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले हमने समझा था, जाना था कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान है। लेकिन अब वहीं से एक क्वेश्चन और निकलता है कि इस असमान वितरण के पीछे कारक क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं कि विश्व के विभिन्न विभिन्न भागों में जनसंख्या असमान है। तो आइए पढ़ते हैं और जानेंगे कि विश्व के जो जनसंख्या है विश्व की, उसको प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता किसी भी प्रदेश या भूभाग पर मनुष्य को रहने के लिए जल की अति आवश्यकता होती है। उसे खाना बनाने के लिए, उसे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, दूसरी चीजों के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जिस क्षेत्र में जल आसानी से उपलब्ध होगा तो उस क्षेत्र के अंदर मनुष्य आसानी से बच सकता है, रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, जमीन से पैदावार ले सकता है, टाइम टाइम पर भूमि को सिंचाई देकर। तो जल की उपलब्धता भौगोलिक कारण का पहला कारक कि जल जहां पे आसानी से उपलब्ध होगा तो वहां पर मानव बस्ती ज्यादा होगी। भू आकृति दूसरा जो है, भू आकृति, बच्चों हर प्रदेश के अंदर, हर देश के अंदर अलग अलग भू आकृति, जमीन का जो भू भाग है एक जैसा नहीं पाया जाता। सॉरी, जैसे अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े पर्वत या पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि आदमी को रहने में बहुत कठिनाई प्रदान करती हैं, क्योंकि वहां पर ढलान ज्यादा होने की वजह से जो भूमि है उसकी पार पतली हो जाती है और उसमें उपजाऊपन कम हो जाता है, भूमि का अपरदन हो जाता है, मनुष्यों को अपने घर वगैरह और मवेशियों वगैरह को सेटल करने में बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो भूमि जहाँ उच्च पर्वतीय प्रदेश होंगे तो वहाँ पर भी जनसंख्या का जो वितरण है असमान होगा। तीसरा जलवायु, किसी भी प्रदेश का क्लाइमेट, जलवायु, जलवायु 30 से 50 वर्षों के बीच के मौसम को काउंट करके बताया जाता है कि इस समय में इस एरिया का तापमान या जलवायु ऐसी होगी। तो जलवायु भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर कारक है किसी भी प्रदेश की जनसंख्या को उभारने में। लोग ऐसी सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहां मौसम संबंधी परिवर्तन अधिक नहीं होते। कारण, मनुष्य तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियों में ही रह सकता है। मतलब ज्यादा अधिक वर्षा ना हो, ज्यादा शुष्क जलवायु ना हो, तो इस तरह के प्रदेशों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इससे उसको अपनी फसलें उगाने में, पशुपालन में कोई समस्या नहीं आती अगर जलवायु सम होगी तो। और चौथा कारक है मृदाएं, मिट्टी। मिट्टी के प्रकार अलग अलग होते हैं तो मिट्टी के प्रकारों में भी जनसंख्या की अवस्थी का, जनसंख्या के वितरण का बहुत बड़ा योगदान है।
अगर मृदाएं जमीन सोयल्स उपजाऊ होंगी तो वहां पर आदमी गहन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर संबंधी क्रियाएं कर सकता है और उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं क्योंकि इस मिट्टी के अंदर वहन अक्षमता अधिक होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण ही सिंधु गंगा सतलुज घाटियों में जनसंख्या का अधिक सांद्रण या घनत्व पाया जाता है। तो वन बाय वन करके हमने भौगोलिक का जाने जल की उपलब्धता भू आकृति जलवायु मृदाएं। अब नंबर टू पर आते हैं आर्थिक कारण इकोनॉमिकल फैक्टर्स। फर्स्ट है खनिज। जिन क्षेत्रों में बच्चों खनिजों के विशाल भंडार मिलते हैं वहां खनन तथा खनिज आधारित उद्योग अधिक विकसित हो जाते हैं और उद्योगों में अनेक कुशल एवं अर्ध कुशल कर्मी रोजगार प्राप्त करते हैं और वो वहीं बसकर रह जाते हैं। तो इस तरह से उस एरिया को वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बना देते हैं। नंबर टू नगरीकरण। नगरीकरण के पीछे भी जनसंख्या का जो प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। नगर में जीवन संबंधी अनेक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जिंदगी की जो सुविधाएं हैं वो पाई जाती हैं। शिक्षा परिवहन वाटर इलेक्ट्रिसिटी आदि विभिन्न सुविधाएं होने की वजह से लोग वहीं पर बसकर रह जाते हैं और परिणाम स्वरूप वहाँ का जो एरिया क्षेत्र होता है वो अधिक जनसंख्या वाला या सघन हो जाता है। तीसरा आता है औद्योगिक विकास। जिन क्षेत्रों में उद्योगों का फैक्ट्रियों का भरमार हो गई है ज्यादा रोजगार हैं तो उन क्षेत्रों में बाहर से आकर लोग काम करते हैं और काम करने की वजह से जो उनको इनकम होती है उनका लिविंग स्टैंडर्ड है जीवन स्तर है ऊंचा उठ जाता है। तो इस तरह से उद्योगों के विकास के कारण लोगों का वहाँ जमाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिवहन। किसी भी क्षेत्र में अगर परिवहन की सुविधाएं अच्छी होंगी मनुष्य को आने जाने में आसानी होगी वह अपने काम इधर से उधर आसानी से कर सकता है तो परिणाम स्वरूप वहां पर भी लोग बसना पसंद करेंगे। तो आर्थिक कारकों में बच्चों चार कारक थे खनिज नगरीकरण औद्योगिक विकास और परिवहन। तीसरे फैक्टर कारक पे आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक सोशियो कल्चरल फैक्टर। विस्थापन। पुराने जमानों में लोग धार्मिक उन्मादों को धार्मिक चीजों को पकड़कर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे तो जो उनका टिकने का जो था किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वह इस बात पर भी निर्भर करता था कि वह किस तरह से अपने आप को विस्थापित एस्टैब्लिशमेंट किए हुए हैं। धार्मिक झगड़ों के कारण कभी कभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक समूहों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के लिए मजबूर किया जाता था। यूरोप में अपने ऊपर होने वाले रोज रोज के अत्याचारों से तंग आकर बहुत से यहूदी यूरोपीय देशों को छोड़कर इजराइल में जा बसे। तो विस्थापन का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के अंदर। दूसरा है इसमें श्रम का प्रवास श्रम लेबर माइग्रेशन ऑफ लेबर। रोजगार की तलाश में लोग बहुत बड़ी संख्या में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो इस तरह से जो रोजगार
मुख्य प्रदेश होते हैं, जिन प्रदेशों के अंदर औद्योगिक विकास हो गया है तो वहाँ पर लोग काम की तलाश खत्म होते ही वहीं पर बस कर रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे श्रम का प्रवास होने की वजह से भी जनसंख्या प्रभावित होती है। और लास्ट है बच्चों, राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। कई बार राजनीतिक कारण भी बड़ी भूमिका निभाते हैं जनसंख्या के जन वितरण को प्रभावित करने में। तो राजनीतिक कारण कैसे हैं? विभिन्न देशों की जनसंख्या नीति भी इसके वितरण को प्रभावित करती है। कभी रूस साइबेरिया को आजाद करने की पुरजोर कोशिश करता था, वहां अधिक संतान वाले माता पिता को सम्मान स्वरूप मेडल या इनाम दिए जाते थे। दूसरी तरफ चीन, भारत और बांग्लादेश जैसे सघन जनसंख्या वाले देशों की जनसंख्या को हर हाल में नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक तौर पर विभिन्न प्रयास किए जाते थे। तो इस प्रकार से ये चार जनसंख्या को भी के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक पढ़े। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।